लोगों की बीवियों को भगा रहा है। निकाह तो हलाल होता है ना? नहीं, हलाल क्या, बंदे के होते हुए उसको अपने निकाह में रखा हुआ है। ये जो मुल्क की है ना हालात, ये इसका पासा पलटा हुआ नजर आएगा, आपको बहुत बेहतरी दिखेगी। उसके बाद फिर निकाह किया, फिर उसने निकाह किया, वो अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। इसका मतलब है बंदों को और छूट दे रहा है, ये लो अपनी बीवियों को कुछ पूरा छह छह सात सात निकाह कर ही जाओ। ये उनके जलसों में नाच गाना देखा, यहाँ देखो कितनी औरतें कोई नजर आ रही है आपको, नाचती हुई या गाने गाती हुई या पैंटों में या शर्टों में, आगे देखें जितनी औरतें बैठी हैं, पीछे से लेके आगे तक आपको जो पहनता है वो बेहूदगी होती है। खाली पैंट शर्ट नहीं, वो नाच गाना करते हैं। आप ये भी तो देखो ना, हमारी सकाफत ये नहीं कहती कि हम औरतें उठ के सड़कों पे इतने मर्दों में पंडालों में आके नाचे गाए। बुराक न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से तशरीफ लाए हैं आप? बाल्टोन से। बाल्टोन से तशरीफ लेकर आए हैं, आपको स्पेशल बुलाया गया या अपनी मोहब्बत से आई हैं? मोहब्बत से आए हैं। मोहब्बत में मरियम नवाज की, मियां नवाज शरीफ की, जिसको हम बुला रहे हैं कि वापस वतन वापस लौट आए, उनकी मोहब्बत में। कितने पैसे मिले यहाँ पे आने? पैसे तो नहीं मिलते मेरे ख्याल में, आप लोगों को मिले होंगे जो आप हमसे पूछ रहे हो। ये तो एक नैरेटिव सेट है ना, नवाज शरीफ के जलसे में लोग पैसे लेके आते हैं। नहीं मिले पैसे, जो भी कहता है गलत कहता है, कोई पैसे पूछे नहीं। बिरयानी के पीछे भी लोग आते हैं यहाँ पे, तो पानी भी नहीं, आपको बिरयानी कहाँ दिख रही है? नहीं नहीं पानी भी नहीं, आपने देखा होगा पानी भी नहीं है, लोग फिर भी बैठे हैं। एक बजे से यहाँ बैठे हैं, उनकी मोहब्बत में बैठे, खाने पीने के लिए नहीं, कोई भी चीज आप दिखा दो, यहाँ पानी पानी नहीं मिला। ये देखे साथ लेके आए, पानी भी आप अपना साथ लेकर आए हैं, लेके आए हुए हैं। आप लोगों को फैसिलिटेट किया बैठने के लिए? नहीं नहीं फैसिलिटी क्यों करना है, हम लोग अपने के लिए फैसिलिटेट किया है। नहीं नहीं हम अपने लिए, हाँ सिटिंग उनकी है, सिटिंग मिली है, वही कह रहा हूँ सिटिंग दी। हाँ जी सिटिंग मिली। आपको लगता है कि नवाज शरीफ के साथ मुल्क में बेहतरी आ सकती है? इंशाल्लाह, आपने पिछला दौर देखा होगा कि मुल्क काफी बेहतर था, लेकिन जब से पीटीआई या ये मुश्तरका हुकूमत हुई है उसके बाद से ये मुल्क के हालात हैं। पहले बहुत बेहतर था, महंगाई नहीं थी, कारोबार के दौर में महंगाई कम थी, पीडीएम की हुकूमत में ज्यादा हो गई थी। नहीं नहीं इमरान खान ने तो स्टार्ट किया बेड़ा गर्क, उन्होंने भी आगे फिर कंटिन्यू कर दिया। नहीं नहीं कंटिन्यू नहीं किया, क्योंकि आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब यहाँ पे थे नहीं, और जो मेन बंदा होता है उसने ही, वो बंदे ने पावर रखी हुई है, उसी के पास सारी ये है मुल्क को संभालने की ताकत, वो संभालेगा जिस तरीके से देखें मैनेज करेंगे, महंगाई को भी तोड़ेंगे, मुल्क के हालात को भी बेहतर करेंगे। इसके अलावा ये जो कारोबार नहीं है लोगों के, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है, वो सब बेहतर होगा, आप देखिएगा इंशाल्लाह, पिछले दौर को देखिएगा और वैसा ही ये होगा दोबारा से। देखिए इमरान खान साहब के दौर में कोई हालात बेहतर नहीं हुए, ना पी डी एम के दौर में हुए, अभी ना नवाज शरीफ की हुकूमत है, ना इमरान खान की, ना किसी दूसरे तीसरे की, न्यूट्रल है, मुल्क के हालात बहुत तेज़ी से स्टेबल हो रहे हैं। आपको लगता है कि इलेक्शन के चाहिए? जी इंशाल्लाह मियां साहब आएंगे, इलेक्शन की तरफ ही जाएंगे। इलेक्शन के मुल्क ठीक हो जाए तो फिर इलेक्शन जरूरी है? नहीं ऐसे नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता, मुल्क बगैर इलेक्शन के क्या होगा। 340 डॉलर 270 पे आ गए बहुत तेजी से कुछ दिनों में। कहा है ना मियां साहब आएंगे, आप देखेंगे एकदम से पासा इसका पलट जाएगा सारा। इसका ये जो मुल्क की है ना हालात, ये इसका पासा पलटा हुआ नजर आएगा, आपको बहुत बेहतरी दिखेगी। इमरान खान साहब को इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिलनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, उसने किया क्या, बेहूदगी पिलाई है यहाँ पे, नाच गाना दिखाया, धरने दिए हैं, बेड़ा गर्क तो धरनों ने किया है स्टार्टिंग में। बेहूदगी कैसे फैला दी उसने? ये उनके जलसों में नाच गाना देखा, यहाँ देखो कितनी औरतें कोई नजर आ रही है आपको, नाचती हुई या गाने गाती हुई या पैंटों में या शर्टों में, आगे देखें जितनी औरतें बैठी हैं, पीछे से लेके आगे तक आपको जो पहनता है वो बेहूदगी होती है। खाली पैंट शर्ट नहीं, वो नाच गाना करते हैं। आप ये भी तो देखो ना, हमारी सकाफत ये नहीं कहती कि हम औरतें उठ के सड़कों पे इतने मर्दों में पंडालों में आके नाचे गाए, हमारा मजहब हमें ये वो साथ तो कहता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। आजकल की जो यूथ है वो इस चीज को लाइक करती है? नहीं करती होगी, लेकिन वो जो बहुत ज्यादा मॉडर्न लोग हैं, लेकिन मिडिल क्लास तबका ऐसी चीजें नहीं पसंद करता, इसीलिए साहब ने तो जो कुरान मजीद की तालीमात हैं उनको हमारे सिलेबस में ऐड कर दिया, आप कह रहे हैं वो बेहूदगी फैलाते हैं। अगर वो इस्लाम के मुताबिक चल रहे होते ना, सबसे पहले औरतों को कहते कि पर्दे में रहें, ये नहीं कि बगैर दुपट्टों के आप लोग जलसों में जाके नाचो। उन्होंने तो मदीना की रियासत की आवाज बुलंद की। झूठ बोल रहे हैं ना, आवाजें जो बुलंद करते हैं उस पे पूरा नहीं उतरते। रियासत मदीना कहते हैं, ये रियासत मदीना का हाल था, आप खुद इस चीज को जानते हो, आप लोगों ने जलसों की कवरेज भी की होगी और आवाम का हाल भी देखा होगा। अगर 1.5 साल उनको और मिल जाता वो शायद मदीना की रियासत बनाने में कामयाब हो जाते हैं। बिल्कुल भी नहीं, जो बंदा खुद उस पे अमल, तीन तीन चार चार शादियां करके बीवियां साथ लोगों की बीवियों को भगा रहा है। निकाह तो हलाल होता है ना? नहीं हलाल क्या, बंदे के होते हुए उसको अपने निकाह में रखा हुआ है, हलाला लेके उसने निकाह कर लिया।
लाला लेके उसने शरी तरीके से किया। नहीं, लोगों को छूट दे रहा था, लोगों को खराब कर रहा था। आपके नजदीक निकाह नहीं करना चाहिए, दो या तीन निकाह करें, ये नहीं कि दूसरों की बीवियों को अभी तलाक। गैर मुस्लिम को मुस्लिम किया, फिर उसने उसके बाद फिर निकाह किया, फिर उसने निकाह किया, वो अच्छा काम कर रहा था, बहुत अच्छा काम कर रहा था। इसका मतलब है बंदों को और छूट दे रहा है, ये लो अपनी बीवियों को कुछ पूरा छह छह सात सात निकाह कर ही जाओ। क्या तीन किए, छह सात नहीं किए? वो तो तीन तो पता है ना, बाकियों का क्या पता कितने पर्दे में है, हमें तो तीन का ही पता है। जो अभी उनकी बीवी लास्ट वाली, वो तो बहुत परहेजगार है, नेक है। परहेजगार होती अपना बंदा छोड़ के आती, वो कहाँ की परहेजगार? वो तो मतलब कानूनी तरीके से आई है ना। नहीं कानूनी, लो पहले किसी की बीवी को फंसा लो, वो कानूनी तरीका है? वो कौन सा कानूनी तरीका? आप किसी की बीवी को घर से फंसा रहे हो, बाद में उसको निकाह में अपने डिवोर्स दिलवा गई है, बताया तो नहीं ना उसको, उससे निकाह ही किया है ना, लेकिन उनके घर को खराब तो किया ना, बीवी तो पता जी के साथ है, वो कौन सी बच्ची है? नहीं नहीं, ये बच्चे भी जवान है, शादी शुदा है, बच्चे भी जवान है, लेकिन पहले उनके साथ गलत ताल्लुकात थे तो वो इनके हक में आए। आप कैसे कह सकते हैं? मैं अब ये बात ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहती, आप भी समझदार हैं, आप इस बात को समझते हैं। शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया।